ग्यारकुंड में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को मिला नई योजनाओं का लाभ। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा रविवार को ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ट्राई साइकिल, विधवा पेंशन, जॉब कार्ड, दिव्यांग पेंशन, श्रम कार्ड, कान का मशीन, प्रधानमंत्री आवास आदि योजनाओं का वितरण किया गया। शिविर का उद्घाटन धनबाद न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक राज, प्रखंड प्रमुख संगीता महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कर्मकार, सांसद प्रतिनिधि धीरज सिंह, मुखिया काकुली मुखर्जी, अधिवक्ता लॉय पैनल विनोद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर मौजूद लाभुक को मजिस्ट्रेट ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों को मदद करनी होगी। जब तक कानून के बारे में सही से जानकारी नहीं होगी, तब तक समाज के कमजोर व गरीब तबके के व्यक्ति को उत्थान नहीं होगा। इसके लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में डालसा के कानूनी सलाहकार को बैठाया गया है, जो उनको सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। मौके पर ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय के बीपीओ श्रीकांत मंडल, पीएलबी अब्दुल कलाम, प्रकाश चंद्र प्रधान, रेणु कुमारी के अलावा प्रखंड के मुखिया और पंचायत समिति सदस्य एवं प्रखंड के पदाधिकारी मौजूद थे। डालसा का कार्यक्रम था जिला विधिक सेवा प्राधिकार। इसमें मुख्यतः बताया गया है कि कोई भी जिसका पास सक्षम नहीं है न्यायालय जाने का, वो दब जाते हैं कि भाई हम न्यायालय में जाएंगे, हमको ज़्यादा पैसा खर्च होगा, वो न्याय से वंचित हो जाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये है, वो अपना पीएलबी के थ्रू वहाँ डायरेक्ट जा करके आवेदन दे सकते हैं और उन्हें निःशुल्क सारा चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे वकील है, न्यायपालिका का सारा काम है, उनको जानकारी दी जाएगी। अगर कोई जेल में भी बंद है और उसे किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वो उसके माध्यम से एक लेटर के माध्यम से कि भाई हमको वकील मुहैया कराया जाए, हमको कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो उन्हें भी निःशुल्क सारा चीज़ दिया जाएगा। ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए जो कि न्याय से वंचित रह जाते हैं, चाहे वो सिविल मामला में हो चाहे क्रिमिनल मामला में हो, किसी भी मामले में ये उसके लिए ही ये आयोजन किया गया है। द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य देखिए बेसिकली यही है कि लोगों के बीच में यह जानकारी फैलाने के लिए या जानकारी मुहैया कराने के लिए है कि कानून जो है, कानूनी सहायता जो है वो सभी के लिए है, न्याय व्यवस्था जो है वो सभी के लिए है और सभी के लिए वो अफोर्डेबल हो, इसी के लिए DLSA का ये किया गया है। उसमें क्या है कि आपका न्याय जो है वो एकदम मुफ्त, आपको वकील की जो सुविधा है, लीगल एडवाइस है, केस पूरा का पूरा केस लड़ने की जो प्रक्रिया है, सिविल वाद हो या क्रिमिनल वाद हो, सभी तरह का इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। पिछड़े वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आज के समय में महंगी व्यवस्था जो है उसको, उसके कारण ये की गई है। दूसरा चीज़ यह है कि कोई भी सरकारी स्कीम, कोई भी व्यवस्था होगी जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक कैसे वो पहुंचेगा, उसमें सरकार के बीच में या एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच का ब्रिज का जो है वो काम करती है DLSA, और जो आवेदन है उनको सही गंतव्य तक पहुँचवाना, उन पर कार्रवाई होना, और अगर कोई कंपनसेशन है, किसी को कंपनसेशन मिलना है, विक्टिम कंपनसेशन जिसे हम कहते हैं, सेक्शन 357 CRPC में जो प्रक्रिया दी गई है, उसके माध्यम से जो है वो राशि जो है वो निर्धारित करना, किसको कितनी राशि की व्यवस्था, रिहैबिलिटेशन के पर्पज़ से किसी परिवार का जिसमें कि कोई अनहोनी घट गई है उसमें रिहैबिलिटेशन के लिए किस फंड की कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हर परिवार को वो राशि मुहैया कराना, ये मुख्यतः जो है वो DLSA का काम है।